तो दोस्तों, जो चीज़ें आपको डुबाने की कोशिश करती हैं, उन्हीं चीज़ों को आप अपनी सीढ़ी बना लो और अपने सपनों की ओर बढ़ते चले जाओ। हेलो एवरीवन, स्टडी एस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं आप लोगों के लिए द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है September 9, 2019 और डे है मंडे। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। कल का सवाल था इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस से रिलेट करते हुए। इस सवाल का सही जवाब है सी, 1, 2 and 4 ओनली। थर्ड स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि फ्रीडम टू एडमिट एडिशनली फॉरेन स्टूडेंट्स ऑन मेरिट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 60% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एडमिटेड डोमेस्टिक स्टूडेंट्स। 60% नहीं है, ये है 30%। फिफ्थ स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है इवन दो द इंस्टीट्यूशंस एंजॉय द गुड फ्रीडम, यूजीसी इंस्पेक्शंस शैल अप्लाई टू दीस इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस। यूजीसी की इंस्पेक्शन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। आपके लिए आज का सवाल रिलेट करता है मॉडर्न इंडिया से। आपको यहाँ पे बुक्स और जर्नल्स का नाम देखना है और बताना है कि उसको किस इंडियन फ्रीडम फाइटर ने लिखा है। नंबर 1, नील दर्पण, इसको लिखा है केशव चंद्र सेन ने। नंबर 2, अभ्युदय, लिखा है मदन मोहन मालवीय जी ने। नंबर 3, वाम बोधनी, लिखी है अरविंद घोष जी ने। नंबर 4, अनहैप्पी इंडिया, लिखी है लाला लाजपत राय ने। नंबर 5, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, लिखी है वीर सावरकर ने। आपको बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है। ऑप्शन है आपके ए 1, 2, 3 ओनली, बी 3, 4, 5 ओनली, सी 2, 4, 5 ओनली, या डी 1, 3, 5 ओनली। जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू की खबरों के साथ। पेज नंबर 1, पहली खबर मिलती है ट्रंप कॉल्स ऑफ सीक्रेट टॉक्स विद तालिबान। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर सैटरडे को एक बड़ा फैसला लिया कि वो जो मीटिंग करने वाले थे कैंप डेविड के अंदर विद द तालिबान लीडर्स एंड द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, उन पर्टिकुलर मीटिंग को अभी के लिए, उन नेगोशिएशन को अभी के लिए कॉल ऑफ कर दिया गया है, उन्हें रोक दिया गया है। ये हमें ये भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो पीस प्रोसेस की तरफ US और यहाँ पर तालिबान लीडर्स आगे बढ़ रहे थे, उनको भी रोका गया है। कारण क्या है रोकने का? क्योंकि यहाँ पर काबुल के अंदर एक सुसाइड बॉम्बर ने एक अटैक किया जिसके अंदर एक US सोल्जर और 11 अदर पीपल्स काबुल के अंदर मारे गए। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इमिडिएटली डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग को कैंसिल कर दिया और जो पीस नेगोशिएशन थी उनको कॉल ऑफ किया गया। इस न्यूज़ से रिलेट करते हुए हमारे सामने एक बड़ी खबर ये आई है कि सीज़ फायर का वायलेशन भी होता हुआ नज़र आया है। कि यहाँ पर तालिबान ने जो प्रॉमिस किया था कि वो सीज़ फायर वायलेशन नहीं करेंगे, तालिबान उन चीज़ों को निभाने में पीछे रह गए हैं। इट कम्स एमिड स्टबर्न रेजिस्टेंस विद इन द अफगानिस्तान गवर्नमेंट अबाउट द पीस अग्रीमेंट दैट हैड बीन अंडर डिस्कशन नॉट ओनली फॉर द सिक्योरिटी रीजंस, पर यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो इलेक्शंस हैं वो भी आने वाले हैं, जो प्लान इलेक्शन है वो September 28। यहाँ पर जो मिस्टर घनी है ही इज रियली पेसिमिस्टिक कि वो इन इलेक्शन को जीत पाएंगे। तो जो तालिबान है इट हैज़ इंजिस्टेड ऑन पोस्टपोनिंग दिस पर्टिकुलर इलेक्शन बिफोर प्रोसीडिंग विद द नेगोशिएशंस विद द अफगान गवर्नमेंट। बहुत सारे अफगानिस्तान के अंदर के जो जर्नलिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो तालिबान ने एक बड़ा अटैक किया है काबुल के अंदर, जो साइड बॉम्बर से अटैक करवाया है, वो शायद इसीलिए है कि यहाँ पर जो इलेक्शन की डेट है उसे पोस्टपोन किया जा सके। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 14 पे। हम लोगों को इसी न्यूज़ से रिलेटेड करते हुए एक और खबर मिलती है, स्टॉक्स आर मिक्स्ड, तालिबान सेज मोर अमेरिकन्स विल लूज लाइव्स। जस्ट इमेजिन कि तालिबान यहाँ पर क्या बात कर रहा है। तालिबान कह रहा है कि अगर जो टॉक्स हैं, जो बातचीत है, उन्हें रोका जाएगा, नेगोशिएशंस को हॉल्ट किया जाएगा, तो यहाँ पर और भी अमेरिकन्स अपने जीवन से हाथ धो सकते हैं। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अमेरिकन्स को खुली धमकी यहाँ पर तालिबान दे रहा है। अगर मैं इस पूरे प्रोसेस को आसान करने की कोशिश करूँ तो अमेरिका यहाँ पर फेल रही है तालिबान को रोकने में अफगानिस्तान के अंदर। ये स्थिति वही स्थिति है जो वियतनाम वॉर के समय पर नॉर्थ वियतनाम को रोकने में US नाकामयाब रहा था, और उस समय भी जब नॉर्थ वियतनाम को रोकने में कामयाब रहा था तो जिससे नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम के ऊपर भी कब्जा ना कर ले, नॉर्थ वियतनाम के साथ नेगोशिएशन का जो प्रोसेस है वो चालू कर दिया गया था। यही सेम किस्सा हम लोगों को अफगानिस्तान के अंदर भी होता हुआ नज़र आ रहा है कि वहाँ पर तालिबान को रोकने में अमेरिका नाकामयाब रहा है और अब तालिबान से ही बात करने की कोशिश कर रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप का जो एक बड़ा यहाँ पर डिसीजन है कि अमेरिकन्स विल बी हार्म्ड मोर देन एनी अदर, जो यहाँ पर बोला गया है तालिबान के द्वारा, उसके खिलाफ भी डोनाल्ड ट्रंप हमें एक बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आएंगे। ओके, तो ये एक बड़ी एक न्यूज़ है जो कि हमारे सामने आई है। पीस प्रोसेस अब हमें एक अलग मार्ग में चलता हुआ नजर आ रहा है। पेज नंबर वन, हमें एक और खबर मिलती है, चंद्रयान टू ऑर्बिटर स्पॉट्स लैंडर ऑन मून। ये न्यूज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो हमारा चंद्रयान टू का ऑर्बिटर है उसने हमारे लैंडर विक्रम को चांद की सतह पर ढूंढ निकाला है। बताया जा रहा है कि जो चंद्रयान टू का जो लैंडर है विक्रम, इट हैज़ बीन लोकेटेड ऑन द लूनर सरफेस, और शायद उसकी हार्ड लैंडिंग हुई हो। जो इमेज है यहाँ पर रोवर प्रज्ञान की, हाउस्ड इन द लैंडर, वॉज कैप्चर्ड बाय द कैमरा ऑन द चंद्रयान टू ऑर्बिटर। और बताया जा रहा है कि जो हमारा लैंडर है वो सेफ है और वो नॉर्मल फंक्शन भी कर रहा है। पर यहाँ पर एक बड़ी चीज़ है कि कब हमारे साथ उसका जो कनेक्शन है वो इस्टैब्लिश होगा। जो ऑर्बिटर का कैमरा है, ओके, तो ऑर्बिटर इज वर्किंग सेफ, और ऑर्बिटर का जो कैमरा है, इट इज़ द हाईएस्ट रिजोल्यूशन कैमरा ऑफ 0.3 mm इन एनी लूनर मिशन सो फार। तो पिक्चर्स हमको क्लिक आउट कर लिया गया है अभी पिक्चर। तो जो लैंडर है वो हम लोगों को कुछ ही दूर पाया गया, उसकी यहाँ पर जो एग्जैक्ट लोकेशन लैंडिंग की थी उससे अराउंड द हाफ अ किलोमीटर अवे फ्रॉम इट्स इंटेंडेड टच डाउन पॉइंट। इसी के साथ साथ जो लैंडर मॉड्यूल है उस हुआ क्या था, यहाँ पर उसने अपना कम्युनिकेशन ग्राउंड स्टेशन के साथ जस्ट लूनर सरफेस से 2.1 किलोमीटर पहले खो दिया था। अगर हम लोग बात करें तो जो लैंडिंग वाली स्टेज होती है उसको सबसे डिफिकल्ट स्टेज माना जाता है पूरे के पूरे मिशन का। हाउएवर स्पेस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो लैंडर है, इट इज सफरिंग अ डैमेज इन द हार्ड लैंडिंग, कुड नॉट बी रूल्ड आउट, इट मे नॉट हैव लैंडेड एट द डिजायर्ड लेवल ऑफ वेलोसिटी, उस वो अपनी स्पीड कम करने में यहाँ पर नाकामयाब रहा, और यहाँ पर अपने चारों पैरों की मदद से भी वो लैंड नहीं कर पाया। इम्पैक्ट शॉक मे हैव कॉज द डैमेज टू दिस पर्टिकुलर लैंडर। इससे रिलेटेड न्यूज़ एक और आई है जो कि हम लोग एडिटोरियल वाले सेक्शन में कवर करेंगे। पेज नंबर फाइव, खबर मिलती है MP's हैप्पीनेस डिपार्टमेंट टू ओपन टाइम बैंक। एक चीज़ याद रखना, हैप्पीनेस डिपार्टमेंट, सबसे पहले हैप्पीनेस मिनिस्ट्री ओपन करी थी मध्य प्रदेश ने, और हैप्पीनेस करिकुलम ओपन किया था यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने स्कूल्स के अंदर। अब यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम चल रहा है, और अब दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बड़ी चीज़ लॉन्च करी है कि वो लोग देशभक्ति करिकुलम भी लेकर आएंगे। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की सरकार का जो हैप्पीनेस डिपार्टमेंट है उसने एक बड़ा फैसला लिया है कि वो एक टाइम बैंक सेटअप करेंगे। जो टाइम बैंक का मैकेनिज्म है यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन कंट्री में बहुत ज़्यादा चलता है। टाइम बैंक में होता क्या है, यहाँ पर जो करेंसी होती है उसके इक्विवेलेंट एक घंटे को रखा जाता है, और इसलिए जो लोग हैं वो यहाँ पर एक नई स्किल सीखने के लिए आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। यह चीज़ कैसे होती है, देखो सबके पास जीवन में एक दिन में होते हैं 24 घंटे, उससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलते हैं, चाहे वो बैंकर हो या गार्डनर हो, टाइम प्रोग्रेसेस इन द सेम वे। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, उसके पास जो यहाँ पर बचा हुआ समय, मान लो उसके पास एक घंटा है, वो जाकर इस टाइम बैंक में बता सकता है कि आई हैव दिस वन पर्टिकुलर आर और मेरे पास ये पर्टिकुलर स्किल है। इसी तरीके से दूसरा पर्सन भी यहाँ पर बता देगा कि मेरे पास इतने घंटे हैं और मेरे पास ये स्किल है। तो यहाँ पर स्किल की एक्सचेंज हो सकती है, दोनों एक दूसरे को उस पर्टिकुलर आर के अंदर वो चीज़ें सिखा सकते हैं। तो यू कैन से इट इज़ अ एक्सचेंज्ड वे जिससे यहाँ पर नई स्किल्स गैदर की जा सकती हैं। स्टार्टिंग में 50,000 वॉलंटियर्स ने अभी रजिस्टर करा लिया है डिपार्टमेंट के साथ थ्रू अ लोकल नेटवर्क, दिस विल फॉर्म अ कम्युनिटी लेवल बैंक। स्किल्स को लिस्ट आउट किया जाएगा, किन स्किल्स को वो दे सकते हैं, इम्पार्ट कर सकते हैं, सर्विसेज को वो ऑफर कर सकते हैं, और जो एक्सपीरियंस वॉलेंटियर्स होंगे दे विल इंडक्ट न्यू मेंबर्स एंड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल दी ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें, सबसे पहले किकिनाटी टाइम स्टोर 1827 उसने स्टार्ट किया था, और उसके बाद जो कंसेप्ट था वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। जापान के अंदर भी पहला टाइम बैंक खोला गया था 1973 के अंदर। उसके बाद यहाँ पर जो टाइम बैंक्स यूएसए के सीईओ हैं एडगर सैन, उन्होंने यहाँ पर टाइम डॉलर पॉपुलराइज किया यहाँ पर यूएस के अंदर। अब यहाँ पर 500 से ज़्यादा कम्युनिटीज़ हैं जो कि टाइम बैंक की तरह डील करती हैं, और पूरे के पूरे दुनिया में 32 देशों के अंदर। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। हम लोग हैं पेज नंबर 7 पे, हमें हेडलाइन मिलती है यूथ हु लीव्स चाइल्ड केयर होम्स स्ट्रगल टू सर्वाइव। व्हाट इज़ द न्यूज़, बेसिकली यहाँ पर हमारे सामने एक स्टडी की गई है जिसकी हेडलाइन है, टाइटल है बियॉन्ड 18
लिविंग चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस एंड सपोर्टिंग यूथ लिविंग केयर। इस स्टडी को कंडक्ट किया गया उदयन केयर द्वारा और इस स्टडी को सपोर्ट किया यूनिसेफ ऑफ टाटा ट्रस्ट ने। जो 107 केयर लीवर्स हैं महाराष्ट्र के, उनको स्टडी किया गया जिनमें 75 बॉयज़ हैं और 33 गर्ल्स हैं। यहाँ पर जो बात आई है वो ये है कि ये जो लोग, ये जो बच्चे यहाँ पर चाइल्ड केयर होम को लीव आउट करते हैं 18 साल की उम्र अटेंड करने के बाद, उनको पता ही नहीं है कि उनको आफ्टर केयर प्रोविजंस में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। नियरली 47% ऑफ द यंगस्टर्स हु ग्रू अप इन महाराष्ट्र चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस डिड नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम। और जो लोग मैनेज कर जाते हैं यहाँ पर कुछ पैसे कमाने के लिए, उनको सिर्फ और सिर्फ ऑन एन एवरेज 8,017 रुपीज पर मंथ मिलते हैं। तो आफ्टर केयर कवर क्या क्या इन्वॉल्व करती है? नंबर वन, यहाँ पर इंटरपर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड करियर के लिए यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं। फिजिकल हेल्थ की गारंटी दी जाती है। अफोर्डेबल एंड एडिक्वेट हाउसिंग के लिए फैसिलिटीज़ दी जाती है। एडुकेशन एंड वोकेशनल स्किल्स के लिए दी जाती हैं। मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग के लिए दी जाती हैं। आइडेंटिटी एंड लीगल अवेयरनेस के लिए यहाँ पर आफ्टर केयर प्रोवाइड की जाती है और इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स जनरेट करने के लिए दी जाती है। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के अंदर इन लाइफ के बारे में बात करें तो 39% आर नॉट कंसल्टेड इन आफ्टर केयर और रिहैबिलिटेशन प्लानिंग। 56% जो है उनको यहाँ पर कोई भी गाइडेंस ही नहीं मिलती है अपनी मॉनिटरी मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए। 41% हैव नेवर रिसीव्ड फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग। इसके साथ साथ 25% के पास अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं है और 64% हैव नेवर रिसीव्ड लीगल लिटरेसी ट्रेनिंग। जो आफ्टर केयर है, इट इज़ द सपोर्ट। क्या होता है आफ्टर केयर? आफ्टर केयर वो सपोर्ट है जो कि यंग लोगों को प्रोवाइड किया जाता है जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो जाती है, जब वो अपने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को छोड़ते हैं, जिससे वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ, एक कम्युनिटी लाइफ जी सकें। जो आफ्टर केयर सपोर्ट है, इट इज़ मैंडेटेड बाय द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। क्योंकि बात करते हैं चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन के बारे में। इस न्यूज़ से रिलेटेड हमारे सामने और भी चीज़ें आई। हाउसिंग की बात करें तो 60% हैव लिव्ड इन इंस्टीट्यूशनल हाउसिंग। सिर्फ एक ही गवर्नमेंट हेल्थ केयर है, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट आफ्टर केयर होम है महाराष्ट्र के अंदर महिलाओं के लिए, वो भी नासिक के अंदर है। 65% साइटेड एडुकेट एंड अफोर्डेबल हाउसिंग एज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। जो लोग आउट ऑफ द केयर होते हैं उनके बारे में बात करें, उनमें से 35% जो केयर लीवर्स हैं, दे रिकॉग्नाइज मेंटल इमोशनल डिस्ट्रेस एज द कोर इशू। इनमें से 49% जो हैं, दे हैव टेकन असिस्टेंस फ्रॉम द नॉन प्रोफेशनल्स। और 28% ने तो यहाँ पर किसी कोई भी असिस्टेंस नहीं ली है मेंटल हेल्थ केयर से रिलेट करते हुए। 16% जो हैं वो ये देखने को मिले हैं वहाँ पर अच्छी चीज़ें नहीं रही हैं। इन सब चीज़ों को रिलेट करते हुए ये रिपोर्ट आई है। और एक बड़ी चीज़ जो ये रिपोर्ट हम लोगों को बताती है वो ये है कि जो आफ्टर केयर होम है उनके अंदर रिफॉर्म की ज़रूरत है, एज वेल एज जो यूथ है जो कि यहाँ पर आफ्टर केयर होम को 18 साल की उम्र के बाद लीव आउट करता है, उसको भी हमें एजुकेट करने की, अवेयर कराने की, मतलब उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है कि उनके पास क्या क्या यहाँ पर आफ्टर केयर फैसिलिटीज़ हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, पेज नंबर 7, खबर मिलती है स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स मीट नियर पटेल स्टैच्यू लाइकली नवंबर सेज मिनिस्टर। हमारे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू जी ने बोला है कि यहाँ पर हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स हैं अलग अलग स्टेट्स के, उनके कॉन्फ्रेंस होने वाली है गुजरात के केवड़िया के अंदर, जो कि साइट है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के मेमोरियल की। किरेन रिजिजू जी ने यहाँ पर गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी से बात करते हुए बोला कि ही हैव एग्रीड कि यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो विजिट भी कर पाएंगे वर्ल्ड के टॉलेस्ट स्टैच्यू को और यहाँ पर गुजरात के कल्चर को भी थोड़ा समझ पाएंगे। विजय रूपानी जी ने यहाँ पर इनॉग्रेट किया सेरेमनी ऑफ द संस्कार धाम स्पोर्ट्स अकेडमी। और यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है, इट इज़ द 10th एडिशन ऑफ द एनुअल खेल महाकुंभ। किरेन रिजिजू जी ने भी बताया है कि गुजरात बड़े बड़े कदम उठा रही है अपने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए। स्पोर्ट्स सेक्टर हमें बदलता हुआ नजर आएगा आगे आने वाले 5 सालों के अंदर। और हम लोगों ने देखा है कि अभी हमारा देश बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, बहुत सारे हम लोग मेडल्स भी लेकर आ रहे हैं। मिस्टर रूपानी ने यहाँ पर बोला कि गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, जैसे एक है शक्ति दूत योजना, जिसकी मदद से जो बेनिफिशियरी प्लेयर्स हैं
वो यहाँ पर गुजरात स्टेट के लिए बहुत सारे मेडल्स भी अचीव कर रहे हैं। टिल नाउ देवर जी 337 गोल्ड, 208 सिल्वर एंड 108 ब्रॉन्ज। यहाँ पे बोला गया है कि जो खेल महाकुंभ है उसके अंदर 47 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे और विद अराउंड 1.6 लाख स्टूडेंट्स गेटिंग 40 करोड़ वर्थ ऑफ अवार्ड्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, खबर मिलती है एनसीएलटी बेंच कमिंग एट मंगलागिरी। सबसे पहले आप लोग कुछ चीज़ें समझो एनसीएलटी के बारे में। जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है, अगर आप उसका सेक्शन नंबर 408 देखते हो तो उसके अंदर हम लोगों ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की स्थापना करी। जो कंपनीज लॉ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको एनसीएलटी डील आउट करता है। एज वेल एज आपको याद होगा हमारा जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 है उसके अंदर भी अगर जुडिशरी की बात करें, जुडिशियल प्रोसीडिंग की बात करें, उसके अंदर हम लोगों ने दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, एक थी एनसीएलटी दूसरी थी डीआरटी। यहाँ पर आज बात हो रही है एनसीएलटी के बारे में कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का यहाँ पर एक अमरावती बेंच खुलने वाली है मंगलागिरी के अंदर, जो कि गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है और वर्क करेगी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। अभी तक जो एनसीएलटी की बेंच थी वो हैदराबाद के अंदर थी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हम लोगों को अलग होते हुए नज़र आए थे 2014 के अंदर, तब से ही धीरे धीरे डिमांड चल रही थी कि एनसीएलटी की ब्रांच अमरावती के अंदर भी खोली जाए और उसके लिए हमारे सामने एक बड़ा फैसला लिया गया है। मूविंग ऑन पेज नंबर 9, खबर मिलती है स्टडी शेड मोर लाइट ऑन किलिंग ऑफ अमेरिकन बाय द सेंटिनल्स। तो यहाँ पर पूरे 9 महीने हो गए हैं जब अमेरिकन नेशनल जॉन एलन छॉ का यहाँ पर मर्डर हुआ था बाय द सेंटिनल्स, जो कि नॉर्थ सेंटली आइलैंड में रहते हैं अंडमान एंड निकोबार के। रिसेंटली एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हमारे सामने एक रिपोर्ट इशू करी है जिसका यहाँ पर टाइटल है द सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड अ रेप्रिजल ऑफ अ ट्राइबल सिनेरियो इन द अंडमान आइलैंड इन कंटेक्स्ट ऑफ किलिंग ऑफ एन अमेरिकन प्रीचर। तो इस न्यूज़ को यहाँ पर पब्लिश आउट किया गया है। तो एक 10 पेजेस की यह बड़ी खबर है जिसके अंदर एक और बात की गई है कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है कि जो नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड के अंदर अगर किसी ने विजिट किया है उसका मर्डर हुआ हो या उसको मारा गया हो। ये सेम चीज़ें हमें मार्च 1896 में भी देखने को मिली थी। सिमिलर टाइप ऑफ रिपोर्ट्स हमारे सामने जनवरी 2006 के अंदर भी आई थी। ये न्यूज़ से ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि हमारे एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे पहला सवाल आता है कि हु आर दी सेंटिनल्स। सेंटिनल्स बेसिकली ट्राइब है, दे आर वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड ट्राइब इन दिस वर्ल्ड। कुछ लोग मानते हैं कि इनका रिलेशन प्री नियोलिथिक ट्राइब से है और ये बिल्कुल भी आउटसाइडर से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहते। वो कोई कपड़े भी नहीं पहनते हैं बट अपनी बॉडी को लीव से यहाँ पर कवर करके रखते हैं। फर्दर दे हैव अ रिलेटिवली वेरी शॉर्ट स्टैचू, हाइट बहुत छोटी होती है, डार्क स्किन होती है एंड दे हैव अ हेयरी बॉडी। लैंग्वेज के बारे में बात करें तो जो ट्राइब है उसकी अपनी खुद की एक भाषा है और उनकी जो भाषा है उसको हमें इनकम्पैटिबल पाया गया है जो नेबरिंग जो आइलैंड्स हैं सेंटिनल्स के, अगर उससे कंपेयर करें। यहाँ पर जो जादवा भाषा है उसका इस्तेमाल करके सेंटिनल्स ट्राइब से बातचीत करने की कोशिश की गई थी बट वो सब चीज़ें फेल रही। वो अभी तक सर्वाइव कैसे करते हैं, देखो वो एग्रीकल्चर करते हैं इस चीज़ का कोई भी एविडेंस नहीं पाया गया। वी हैव नॉट फाउंड एनी एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर, पर इस चीज़ में हम लोग बिल्कुल श्योर हैं जो सेंटिनल्स ट्राइब है वो हंटर गैदरर्स है, वो फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, वाइल्ड प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं। वेयर डू दे लिव, ये रहते कहाँ पे हैं, ये रहते हैं नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड के अंदर जो अंडमान ग्रुपिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। भारत सरकार ने भी इस पार्ट को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है कि कोई भी इसके अंदर नहीं जा सकता, ऑल्दो इंडियन नेवी रेगुलरली इसको मॉनिटर करती है। यहाँ पर आप लोग देखो नॉर्थ सेनेटल आइलैंड, ओके दिस इज दिस पर्टिकुलर आइलैंड, ये है हमारा अंडमान एंड निकोबार की पोजीशन। अंडमान एंड निकोबार से रिलेटेड आप लोग एक चीज़ देखो, ये आपको याद रखना है कि अंडमान एंड निकोबार किस किस तरीके से यहाँ पर अलाइन है। सबसे ऊपर आता है नॉर्थ अंडमान, फिर आता है मिडल अंडमान, फिर आता है साउथ अंडमान। मिडल अंडमान ग्रुपिंग के बिल्कुल यहाँ पर नीचे आपको दिखेगा बेरल आइलैंड जो कि हमारा एक एक्टिव वोल्केनो आइलैंड है। सबसे ऊपर आपको मिलेगा नारकेडोम जो कि एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। इसके साथ साथ साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आपको मिलेगा यहाँ पर डंकन पास, ओके। लिटिल अंडमान के बाद आता है 10 डिग्री चैनल, जो कि 10 डिग्री चैनल है वो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से सेपरेट करता है। फिर आता है लिटिल निकोबार और आता है ग्रेट निकोबार, यह है इंदिरा पॉइंट
जो कि हमारे देश का सदर्न मोस्ट पॉइंट था, बट अब ये नहीं रहा क्योंकि 2014 के अंदर जब सुनामी आई थी तो ये जो आइलैंड है हमारा, ये 2004 के अंदर जब सुनामी आई थी तो ये जो आइलैंड है हमारा ये डूब गया था. ओके, दिस इज़ द रीज़न. अब यहाँ पर आप जो एक ये छोटा सा आइलैंड देख रहे हो, यहाँ पे दिस आइलैंड, दिस इज़ द नॉर्थ सेनेटल आइलैंड, यही आइलैंड है नॉर्थ सेनेटल आइलैंड. आपके लिए एक और छोटा सा अपडेट, आप लोगों ने सुना होगा रॉस, नील और यहाँ पर हैवलॉक आइलैंड, ये तीन आइलैंड है जिनका रिसेंटली अभी नाम बदला गया है. जो रॉस आइलैंड है उसका नाम हो गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, जो नील आइलैंड है उसका नाम हो गया है यहाँ पर शहीद आइलैंड, और जो हमारा हैवलॉक आइलैंड है उसका नाम बदल के कर दिया गया है स्वराज द्वीप. बड़ा सवाल आता है कि व्हाट इज द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ द सेनेटलीज, इनकी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन क्या है. द फर्स्ट सेंसस ऑन दिस पर्टिकुलर आइलैंड वॉज टेकन इन 1991. उस समय सरकार ने एस्टिमेट किया था कि शायद 117 लोग रहते हैं जो कि यहाँ पर नॉर्थ सेनेटलीज ट्राइब से बिलोंग करते हैं, इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं, पर 2011 के अंदर गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ 15 लोगों को ही काउंट आउट किया. बड़ा सवाल आता है कि आर ऑल आइलैंड्स ऑन अंडमान सो आइसोलेटेड, सर की सारे के सारे जो आइलैंड्स हैं वो इतने ही ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, तो आंसर है नो. ओके, कुछ आइलैंड्स हैं जो आइसोलेटेड हैं, कुछ आइलैंड्स हैं जिसमें ट्राइब्स रहती हैं बट दे आर नॉट सो मच आइसोलेटेड. क्या जो सेंटलीज हैं वो कैनिबल्स हैं? कैनिबल्स बेसिकली कैनिबलिज्म से आया है. कैनिबलिज्म इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें यहाँ पर कोई भी स्पीसीज़ अपनी ही स्पीसीज़ को खाना चालू कर देती है. कोई भी कैनिबलिज्म की प्रेजेंस अभी तक नहीं देखी गई है, हम लोग ना इसे डिनाई कर सकते हैं ना प्रूव कर सकते हैं, पर 2006 के अंदर जब दो फिशरमैन मरे थे, इंडियन गवर्नमेंट ने कंक्लूड किया था दैट द ट्राइब्स ग्रुप डेफिनेटली डज नॉट प्रैक्टिस द कैनिबलिज्म. तो वो खाते क्या हैं? बेसिकली वो खाते हैं जानवरों को, क्रैब्स को, सी फूड को. अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो ट्राइब है इट डज नॉट इवन नो हाउ टू लाइट द फायर, उनको ये भी नहीं पता है कि आग कैसे लगाते हैं. मूविंग ऑन पेज नंबर 9, खबर मिलती है नीलगिरी तार से पॉपुलेशन अप बाय 27% इन 3 ईयर्स. मैंने आपको परसों के न्यूज़पेपर में एक चीज़ बताई थी, दैट वॉज अबाउट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि यहाँ पर स्टेट एनिमल है राजस्थान का. आज बात करेंगे नीलगिरी तार के बारे में जो कि स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का. यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि जो नीलगिरी तार है उसकी जो पॉपुलेशन है मुकुटी नेशनल पार्क के अंदर वो हमें बढ़ती हुई नजर आई है. 2018 के अंदर उसकी पॉपुलेशन 568 थी और अब हो गई है 612. नीलगिरी तार को यहाँ पर नीलगिरी इबिक्स के नाम से भी जाना जाता है. तो टोटल 8% की यहाँ पर हमें पॉपुलेशन इंक्रीज देखने को मिला है 2019 के अंदर. आपके लिए इंपॉर्टेंट है नीलगिरी तार से रिलेटेड कुछ चीज़ें जानना. नीलगिरी तार IUCN की लिस्ट के अंदर एंडेंजर स्पीसीज के अंदर आता है. एक और चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वो यहाँ पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली लिस्ट के अंदर आता है. हैबिटेट की बात करें, ओपन माउंटेन ग्रासलैंड के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, सदर्न वेस्टर्न घाट्स के अंदर. दे आर एंडेमिक टू दी नीलगिरी हिल्स, हमें नीलगिरी हिल्स में ही देखने को मिलते हैं, और कुछ जो सदर्न पोर्शन है वेस्टर्न घाट्स का वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल जाएंगे, द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला. साथ ही इट इज़ द ओनली स्पीसीज ऑफ कैपरिंग उनगुलेट जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलती है साउथ ऑफ हिमालयास के अंदर. इनको खतरा किस चीज़ से है? हैबिटेट लॉस, पोचिंग, पॉपुलेशन जो है वो थोड़ी सी जगहों पर है, इट इज़ आइसोलेटेड. ओके, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है. ओके, दे हैव अ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक्स, ओवर ग्रेजिंग से एक बहुत बड़ा खतरा है. राइट हैंड साइड पर आप मेल नीलगिरी तार और फीमेल नीलगिरी तार की पिक्चर भी देख सकते हो, एंड दे आर अंडर द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज अंडर द IUCN लिस्ट. मूविंग ऑन पेज नंबर 9, खबर मिलती है सेंटर आस्क स्टेट्स टू आइडेंटिफाई एक्सीडेंट प्रोन स्पॉट्स. यहाँ पर आपके लिखा हुआ है एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट. एक्सीडेंट प्रोन स्पॉट मतलब जिन जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने यहाँ पर एक नई गाइडलाइंस इशू करी है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप जल्द से जल्द जो ब्लैक स्पॉट्स हैं नेशनल हाईवेज के ऊपर उनको आइडेंटिफाई करो, उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो. ब्लैक स्पॉट को यहाँ पर डिफाइन भी किया गया कि व्हाट इज़ ब्लैक स्पॉट. ब्लैक स्पॉट वो स्ट्रेच होता है दैट इज़ नॉट मोर देन 500 मीटर इन लेंथ. वहाँ पर 5 या उससे ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हों या 10 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई हो पिछले 3 सालों के अंदर, उन जगहों को ब्लैक स्पॉट के रूप में यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है. एक बार जब करेक्शन हो जाती है तो जो अथॉरिटीज़ हैं उनके पास एक बड़ा काम है कि वो मॉनिटर करेंगी कि इस तरीके के एक्सीडेंट्स फिर से ना हो. रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने यहाँ पर बोला है कि गवर्नमेंट 14,000 करोड़ रुपीज़ का एक बड़ा प्लान क्रिएट कर रही है जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे. साथ ही जो मिनिस्ट्री है उसने यहाँ पर वर्ल्ड बैंक से भी रिक्वेस्ट करी है फंड के लिए.
तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि वर्ल्ड बैंक अप्रूव करेगा या नहीं। और यहाँ पे याद रखना है आप लोगों को, व्हाट इज दिस पर्टिकुलर थिंग ब्लैक स्पॉट और ये किस चीज़ से रिलेट करते हैं। मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 10, खबर मिलती है थ्रॉटल्ड एट द ग्रास रूट। यहाँ पर बात हो रही है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। व्हाट इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन? सिंपल सेंस में बोले तो हम लोग जिस चीज को कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द डेमोक्रेसी, इट इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। 25 साल हो गए हैं आफ्टर द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसकी मदद से हम लोगों ने पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दिया था। हमारे सामने रेंज ऑफ पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, वो सब चीज़ें आई थी। बट फिर भी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हम लोगों को आगे बढ़ता हुआ नहीं नज़र आया। लोकल गवर्नमेंट आज की डेट में भी इन इफेक्टिव है। जो डेमोक्रेसी है इट हैज़ नॉट इवन एनहैंस्ड इन द स्पाइट ऑफ अबाउट 32 लाख पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स बींग इलेक्टेड टू देम एवरी 5 ईयर्स। और कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है हमारे देश में, वो हम लोगों को जो हम लोग एक्सपेक्ट करते थे जितनी सक्सेस, वो सक्सेस नहीं मिल पाई है। और हम ये भी कह सकते हैं कि दिस प्रोसेस हैज़ बीन फेल्ड इन टर्म्स ऑफ द एफिशिएंसी एंड इम्प्लीमेंटेशन। एक बड़ा सवाल अब हमारे सामने आता है कि हमारा जो संविधान है, इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर अमेंडमेंट किया था 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, उसके अंदर डिवोल्यूशन की बात की गई है, सिर्फ और सिर्फ डेलीगेशन की बात नहीं की गई। हम लोगों को प्रिसाइजली डिफाइन करना पड़ेगा गवर्नेंस फंक्शंस को दैट आर फॉर्मली असाइंड बाय द लॉ टू द लोकल गवर्नमेंट, जिसके अंदर हम लोगों को जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग एडिक्वेट ट्रांसफ़र करें, उनको सही मात्रा में पैसे दें जिससे उनको फाइनेंशियल ग्रांट दी जा सके और वो फिर उन चीज़ों का इस्तेमाल करके सिटीजन को बेनिफिट पहुँचा सकें। अबव ऑल जो लोकल गवर्नमेंट हैं, दे आर टू रिपोर्ट प्राइमरली टू देयर वोटर्स। लोकल गवर्नमेंट जो हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू देयर वोटर्स एंड नॉट सो मच टू देयर हायर लेवल डिपार्टमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैंडेट करता है कि जो हमारी पंचायत हैं और जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, दे शैल बी इलेक्टेड एवरी 5 ईयर्स। और यहाँ पर जो स्टेट्स हैं उनको ज्वाइन करेंगी यहाँ पे फंक्शंस में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। पर हमारे देश में सबसे बड़ी कमी क्या है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर? दैट इज डिजाइन वीकनेस। हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जिस तरीके से डिजाइन है वो भी सही नहीं है। गिवन डाइवर्स हैबिटेशन पैटर्न, पॉलिटिकल एंड सोशल हिस्ट्री, इट मेक्स सेंस टू मैंडेट स्टेट्स टू असाइन फंक्शंस टू द लोकल गवर्नमेंट। 14th फाइनेंस कमीशन की यहाँ पर एक स्टडी हुई थी जिसको कंडक्ट किया था सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च ने। उसने इस चीज़ को शोकेस किया था कि जितनी भी स्टेट्स हैं दे आर फॉर्मली डिवॉल्व पावर्स विद रिस्पेक्ट टू 5 कोर फंक्शंस, जो कि हैं वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, रोड्स, कम्युनिकेशन, स्ट्रीट लाइट प्रोविजन एंड द मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी एसेट्स टू द ग्राम पंचायत्स। अब इस पूरी की पूरी चीज़ में जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो है यहाँ पर डिज़ाइन के ऊपर, कि जो फंडिंग सिस्टम है वो हम लोगों ने किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, कि पैसा किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट के पास पहुँचता है। प्रॉब्लम्स क्या हैं? सबसे पहली प्रॉब्लम है कि वॉल्यूम ऑफ मनी, पैसे का अमाउंट कम रहता है, और उस पैसे के कम अमाउंट की वजह से जो हमारे लोकल गवर्नमेंट होती हैं वो लोगों का पेट नहीं भर पाते, दे कांट प्रोवाइड ऑल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू द पीपल। दूसरा, मच ऑफ द मनी गिवन इज इनफ्लेक्सिबल, पैसों के अंदर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, पहले फिक्स्ड होते हैं यूनियन और स्टेट फाइनेंस कमीशन द्वारा कि पैसे यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। थर्ड, there is little investment in enabling and strengthening the local government, कि local government खुद से अपने taxes लगा सकें और user charges raise out कर सकें। इस पूरी की पूरी चीज़ में जो last nail in the devolution coffin रहा वो है कि जो local government है they do not have the staff to perform the basic task। local government के पास कमी है किस चीज़ की? मैन पावर की। they even don't have the staffs। अगर ये जो स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं दे वर नॉट बैड एनफ इन द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स ऑफ 5 ईयरली इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट, एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमें देखने को मिली है वो ये है कि स्टेट्स बार बार जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हैं उन्हें पोस्टपोन कर देती हैं।
2005 के अंदर जब गुजरात सरकार ने अहमदाबाद कॉरपोरेशन इलेक्शन को पोस्टपोन किया था, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने बोला था कि इन नो सर्कमस्टांसेस किसी भी यहाँ पर स्थिति में पोस्टपोनमेंट अलाउ नहीं किया जाएगा। सब्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट की थी बाकी सारे यहाँ पर चीज़ों को भी फॉर द इलेक्शन पोस्टपोनमेंट। पर अभी भी आप देखोगे तमिलनाडु के अंदर जो पंचायती इलेक्शंस हैं वो पिछले 2 साल से कंडक्ट ही नहीं हुए हैं। इसीलिए जो यूनियन गवर्नमेंट जो यहाँ पर फिनेंस कमीशन के थ्रू पैसे देती है तमिलनाडु को, उसकी मात्रा घट गई है क्योंकि तमिलनाडु के अंदर पंचायत ही नहीं है। सक्सेसिव यूनियन गवर्नमेंट हैव मेड अ बिग नॉइस अबाउट द लोकल इन्वॉल्वमेंट इन होस्ट ऑफ सेंट्रली डिजाइंड प्रोग्राम्स, पर यहाँ पर उसके अंदर भी डिवोल्यूशन वाला प्रोसेस नहीं आता है। यूनियन प्रोग्राम डिजाइन फॉर सिटीज इज इमिकेबल टू डिसेंट्रलाइजेशन। अगर हम लोगों को हमारे स्वच्छ भारत प्रोग्राम या आयुष्मान भारत मिशन को सफल बनाना है तो हमें यहाँ पर ग्राउंड लेवल तक उन्हें पहुँचाना पड़ेगा। हम बात करें अपने स्मार्ट सिटी प्रोग्राम की, दे डू नॉट डिवॉल्व इट्स फंड्स टू द म्यूनिसिपैलिटीज। स्टेट्स को फोर्स आउट किया गया है कि स्टेट्स यहाँ पर एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाएं और उसके थ्रू यहाँ पर स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हम लोग कामयाब बना सकें। अब एक बड़ा सवाल आता है कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है वो एक बड़ी करप्ट बॉडी है, इसमें कोई भी डाउट भी नहीं है। क्रिमिनल एलिमेंट, कॉन्ट्रैक्टर्स, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, और वो इलेक्शन जीत भी जाते हैं किसकी मदद से, बहुत सारे पैसों की मदद से, अपने वोटर्स को ब्राइब करके, अलग अलग ग्रुप से डील सेट आउट करके। फर्दर मोर जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं जो कि यहाँ पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर के पास यहाँ पर पोस्टेड होते हैं, दे ऑफन ऑन पेमेंट ऑफ ब्राइब्स, एक्सट्रैक्ट ब्राइब्स फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट फॉर प्लान क्लियरेंस। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम लोगों को ग्राम सभा और वार्ड कमेटी के ऊपर यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा, उनको हमें रिविटलाइज करना पड़ेगा, उनको रीस्टैब्लिश करना पड़ेगा। सबसे पहले तो व्हाट इज ग्राम सभा? ग्राम सभा वो सारे के सारे यहाँ पर लोगों का समूह होता है जो कि वोट करने के लिए एलिजिबल होते हैं, पर कभी भी ग्राम सभा का जो रोल है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड है, जो प्रैक्टिकली जो होना चाहिए, वो हमें होता हुआ नहीं नज़र आया। सेकंड, जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं उनको हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा क्योंकि पंचायत्स आर बर्डन विद द ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क, और जो बाकी सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ पर सारे का सारा काम पंचायत के ऊपर सौंप देते हैं। लोकल गवर्नमेंट मस्ट बी अनेबल टू होल्ड द स्टेट डिपार्टमेंट अकाउंटेबल एंड टू प्रोवाइड क्वालिटी करप्शन फ्री सर्विस टू देम। थर्ड, वी कैन नॉट हैव अकाउंटेबल ग्राम पंचायत विदाउट लोकल टैक्सेशन। ग्राम पंचायत को जब लोकल टैक्सेशन लगाने के लिए यहाँ पर बोला जाएगा तो जो लोकल गवर्नमेंट है दे आर ऑलरेडी रिलेक्टेंट कि वो यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट ना करें, यूजर चार्ज ना लगाएं, क्योंकि ये वो भी जानते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो दे विल बी अकाउंटेबल टू द पब्लिक ऑफ इंडिया, और फिर वोटर्स उन्हें फॉरगिव नहीं करेंगे और फिर उनको चुनेंगे भी नहीं। तो इंडिया का जो एफर्ट है इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इसको अगर आप देखोगे तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट है जिससे हमारी डेमोक्रेसी और ज़्यादा बेहतर होगी। डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में सब यही कहते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मैसी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की वन ऑफ द मैसी फॉर्म है। और बट अगर कंपेयर किया जाए कि क्रिमिनल पॉलिटिशियंस सारे के सारे ह्यूज जो सम है जो हम लोग टैक्सेस भरते हैं उसके ऊपर राज करें, उससे बेहतर तो यही है कि लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव तक यहाँ पर चीज़ें पहुँची जाए। पर हमें यहाँ पर भी जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उन्हें रोकना पड़ेगा हायर लेवल पे, तभी हम लोग यहाँ पर सफल होते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 10 की तरफ। खबर मिलती है ट्रंप यूरोप एंड द ईरान इफेक्ट। यहाँ पर बात हो रही है ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में। ईरान न्यूक्लियर डील P5+1 देशों ने ईरान के साथ साइन आउट की थी। उस डील के अंदर बहुत सारी बातें थी जैसे कि ईरान अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को रोकेगा, ईरान यहाँ पर यूरेनियम 300 kg से ज़्यादा स्टोर नहीं करेगा, ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगाए हुए थे उनको हटा दिया गया था कि ईरान ट्रेड कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर 2015 के अंदर ईरान न्यूक्लियर डील के अंदर आई थी। पर 2018 के अंदर US ने एक बड़ा फैसला लिया और US ने बोला कि वो ईरान न्यूक्लियर डील का पार्ट नहीं रहेगा। इसके लिए यहाँ पर US ने ईरान के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया था कि ईरान अभी भी जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है वो इंटरनली कर रहा है। पर अभी भी जो हमारे यूरोपियन देश हैं वो इस उम्मीद में है कि ईरान न्यूक्लियर डील बरकरार रहे। G7 के समिट थी
यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान मोहम्मद जावेद जरीफ, उन दोनों ने ही यहाँ पर थे वो फ्रांस के अंदर, बट कोई भी दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई। यूरोपियन लीडर्स और फ्रांस इन पर्टिकुलर, दे हैव हाईलाइटेड कि जो डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनके ऊपर यहाँ पर प्रेशर लगा रहा है कि ईरान के साथ जो डील है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए यहाँ पर। एंड दिस वे वाई दे हैव डिसाइडेड कि वो ट्राई करेंगे और ईरान न्यूक्लियर डील को कीप आउट करने की कोशिश करेंगे, चाहे ईरान ने कुछ टैंकर्स को सीज किया हो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अंदर। तो डिवीजन है बिटवीन द यूरोपियन यूनियन एंड यूएस ओवर द ईरान हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग सिक्योरिटी चैलेंज सिंस मिस्टर ट्रंप्स डिसाइडेड लास्ट ईयर टू अबैंडन द डील दैट वाज स्टक इन 2015। क्या क्या रीजन है कि यूरोप के लिए ईरान इतना ज्यादा जरूरी हो गया है? सबसे पहला और बड़ा रीजन, द मेजर रीजन इज दैट यूरोप नीड्स टू कीप द पर्शियन गल्फ ओपन। यूरोप चाहता है कि जो पर्शियन गल्फ है वो खुला रहे, जिससे जो फ्लो है यहाँ पर ऑयल का और इकोनॉमिक सिक्योरिटी का वो बन सके। हाउएवर इस पर्टिकुलर इशू पे फ्रांस और जर्मनी ने रिफ्यूज किया है कि वो अमेरिका के प्लान को ज्वाइन करेंगे। अमेरिका का प्लान है प्रोजेक्ट सेंटिनल, जिसके अंदर वो यहाँ पर शिप्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उन शिप्स को प्रोटेक्ट करते हैं जो कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के थ्रू पास करती हैं। नंबर टू, यूरोपियंस एंड दे आर फियरफुल ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन अनदर वॉर इन वेस्ट एशिया, और वो ऐसी कोई लड़ाई भी नहीं चाहते हैं। सच्चाई ये है कि वो यहाँ पर ट्रस्ट नहीं करते कि डोनाल्ड ट्रंप अपने वर्ड्स को रखेंगे, कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला था कि वो ईरान के ऊपर अटैक करेंगे नहीं, तो यहाँ पर यूरोपियन देशों को डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भरोसा नहीं है। थर्ड एंड लास्ट, यूरोपियंस हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड आउट द वे कि उनका बिजनेस कैसे ही बढ़े, और कहीं ना कहीं जो ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा है उसने यूरोपियंस को भी इम्पैक्ट किया है। इसीलिए फ्रांस, जर्मनी और यूके, उन्होंने अपना एक अलग से ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप किया, इंस्टेक्स, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज। उसको इसलिए डिजाइन किया गया क्योंकि अमेरिकन डॉलर को डील करने से यूएस ने मना कर दिया था, इसलिए इंस्टेक्स की मदद से उसको इनिशियली यहाँ पर डील आउट किया जा रहा है। कोई भी यूरोपियन देश नहीं चाहता है कि कोई मिलिट्री कन्फेडरेशन हो यहाँ पर ईरान के साथ, वन विच वुड ड्रॉ इन अदर स्टेट्स और नॉन स्टेट एक्टर्स। इसी के साथ साथ कॉन्सिक्वेंटली, अगर ये चीज़ सही है कि इस्लामिक रिपब्लिक स्टिल डज नॉट पोजेस न्यूक्लियर वेपन्स एंड इट्स कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज आर स्टिल नो मैच फॉर दोज ऑफ यूएस, यूएस के मुकाबले की उनके पास कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज भी नहीं है, पर यह भी चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि ईरान के पास हाइब्रिड वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हैं, एक्सपेंडेड नेटवर्क है यहाँ पे प्रॉक्सीज का, अलाइज का इन दिस पर्टिकुलर रीजन, विच गिव्स इट अ शार्पन्ड कैपेसिटी टू प्रैक्टिस इट्स हेजेमनी इन द वेस्ट एशियन रीजन। मूविंग ऑन, पेज नंबर 11, हम लोगों को एक पिक्चर मिलती है जो कि बताती है कि इंडिया का जो चंद्रयान 2 मिशन का जो हमारा लैंडर है विक्रम, इट हैज़ फेल्ड टू टच द बेस ऑफ द मून। और देखो, लैंडिंग मिशन के अंदर डिफिकल्टीज तो आती ही हैं, सक्सेस रेट 50% से भी कम है। फेलियर रेट को अगर आप देखोगे, चाइना ने अभी तक 2 मिशन किए हैं, ओके, लैंडर उतारने के, और चाइना के दोनों मिशन ही सक्सेसफुल रहे हैं। चाइना का जो सक्सेस रेट है दैट हैज़ बीन 100%। इंडिया का जो मिशन है वो पहला था, उसमें सक्सेस रेट 0% था, पर अनसक्सेसफुल रेट भी 0% था। हम लोग इस मिशन को पार्शियली सक्सेसफुल रेट के अंदर लेंगे। इसराइल का मिशन की बात करें तो वो एक मिशन था जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से असफल रहा। यूएस की बात करें, यूएस ने अभी तक 14 मिशन भेजे हैं जिनमें से सक्सेसफुल सिर्फ 78.6 रहे हैं। यूएसएसआर ने 28 मिशन भेजे हैं, 28.6% मिशन ही सक्सेसफुल रहे हैं। यहाँ पर 12 लैंडर उतारे थे मून मिशन के अंदर, तब यहाँ पर यूएसएसआर को कामयाबी मिली थी 1966 के अंदर। यूएस बिगन लेटर बाय अचीविंग सक्सेस मोर क्विकली। जो लूनर मिशंस हैं वो चाइना के अभी के मामले में देखें तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। यहाँ पर आपको देखने को भी मिल जाएगा फ्लाई बाय इम्पैक्टर लैंडर कितने यहाँ पर उतरे, वो चीज़ें भी आपके लिए दी हुई हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि हमारे चंद्रयान 2 से ही रिलेट करता है, पेज नंबर 13 पे बात हो रही है, विक्रम मे नॉट स्प्रिंग बैक टू लाइफ सेज स्पेस एक्सपर्ट। स्पेस एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद विक्रम फिर से हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। पर यहाँ पर एक बड़ी चीज़ है। बड़ी चीज़ क्या है कि हमारा ये मिशन सफल है। क्यों सफल है? क्योंकि हमारा जो यहाँ पर विक्रम है और जो प्रज्ञान है, जो हमारा लैंडर और जो रोवर है, उनके अंदर टोटल 5 पेलोड्स थे। जो हमारा ऑर्बिटर है उसके अंदर 8 पेलोड्स थे।
यहाँ पर कुछ पेलोड्स के बारे में अक्सर आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगा. टू ऑफ द फोर पेलोड्स दे वर डेवलप्ड बाय द स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी, वो अभी भी ठीक है, ऑन द चंद्रयान टू ऑर्बिटर. 14 पेलोड्स थे जिनमें से 4 यहाँ पर डेवलप किए थे स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी जो कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अंदर है. ओके, कौन उनमें से इंपॉर्टेंट थे? रामभा. रामभा हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ऑफ द लूनर आयोनोस्फेयर जो कि दो कंपोनेंट से बना हुआ है, वन ऑन बोर्ड द लैंडर एंड वन ऑन बोर्ड ऑन द ऑर्बिटर. तो लैंडर के ऊपर था हमारा रामभा LM और हमारे ऑर्बिटर के ऊपर था रामभा DFRS. तो LM तो अब नहीं रहा बट DFRS वर्क करेगा. इसके साथ साथ चांस 2, तो चांस 2 एक इंपॉर्टेंट है, चांस का अपग्रेडेड वर्जन है जो कि यहाँ पर हम लोगों ने इम्पैक्टर के अंदर भी इस्तेमाल किया था. टेम्पोरल वेरिएशन को देखता है ये लूनर एग्जोस्फेयर के अंदर. ओके, और जो रामभा DFRS है इट विल स्टडी. ओके, वो अभी यहाँ पर क्या पढ़ेगा? इट विल स्टडी द एल्टीट्यूड वेरिएशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द मून्स आयनोस्फेयर. मूविंग ऑन पेज नंबर 12, खबर मिलती है इलेक्टेड गवर्नमेंट टू फॉर्म जम्मू एंड कश्मीर लैंड लॉज. तो जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट वाला स्टेटस था उसे लेकर हम लोग ने 2 यूनियन टेरिटरी के अंदर डिवाइड कर दिया. लद्दाख यूटी है पर उसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी. जम्मू कश्मीर यूटी है उसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली होगी. तो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी यहाँ पर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, जब भी उसका यहाँ पर गठन होगा वही डिसाइड करेगी जम्मू एंड कश्मीर की लैंड पॉलिसी के ऊपर और वो यहाँ पर कैटेगराइज करेगी ज़मीन को एग्रीकल्चर, कमर्शियल और एजुकेशन वाली अलग अलग यहाँ पर फील्ड के अंदर. जो स्पेशल स्टेटस है जम्मू कश्मीर का वो अगस्त 5 को ले लिया गया था अंडर द आर्टिकल 370 जो मिला हुआ था. ओके, उसको स्क्रैप आउट करके. पेज नंबर 13, खबर मिलती है चाइनीज ट्रॉलर्स इन सदर्न इंडियन ओशन वरी इंडिया. तो जो साउथ इंडियन ओशन के अंदर हमें कुछ चाइनीज ट्रॉलर्स देखने को मिले हैं, कुछ डीप सी फिशिंग ट्रॉलर्स देखने को मिले हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारी आईब्रोज रीजन अप करते हैं, इंडिया को परेशान कर सकते हैं. हम लोग इन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम की मदद से. इसके साथ साथ जितनी भी मैरीटाइम मूवमेंट होती है इस रीजन के अंदर उनको इंडियन नेवी का जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर है गुरुग्राम के अंदर, जो सिंगल पॉइंट सेंटर है इंटरलिंकिंग ऑल दी कोस्टल रडार चेन्स, वो यहाँ पर इन चीज़ों को एनालाइज करता है. AIS की जो इन्फॉर्मेशन है इट कंप्राइज ऑफ MMSI नंबर, पोजिशन, कोर्स, स्पीड, लास्ट पोर्ट विजिटेड एंड एवरी अदर थिंग. टू एड्रेस दिस जो नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव है उसका मेन मकसद है फिशिंग, पोर्ट्स और कस्टम्स को यहाँ पे इंटरग्रेट करना, डेटाबेस कलेक्ट करना. करेंटली जो स्टेट है इट हैव देयर ओन डेटाबेस. देयर हैव बीन नेशनल एफर्ट कि AIS सिस्टम को हम लोग शिप्स के अंदर इंस्टॉल करें अंडर द 20 meter फॉर विच अ पायलट स्टडी हैव बीन कैरिड आउट. जो AIS है इट वर्क्स थ्रू सैटेलाइट एंड द इसरो हैज ऑलरेडी डिलीवर्ड 1000 ट्रांसपॉन्डर्स फॉर टेल्स इन गुजरात एंड दी तमिलनाडु. आपके लिए आज इतनी खबरें थी, कैसा लगा आप लोगों को लाइक का बटन दबाकर मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना. लेक्चर को यहीं एंड करते हैं. सो लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड. थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइज एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड. बाय बाय, टेक केयर.